साथियों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य कॉमर्स कोचिंग में। और आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं जिसका नाम है काइंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी के प्रकार। ये कंपनी के प्रकार कई बार पूछे जाते हैं। यदि आप इंटरमीडिएट में हैं तब भी आपको ये बहुत अच्छे से लिखना है। बी काम या बी बी ए कर रहे हैं तब भी ये लिखना है, एम बी ए कर रहे हैं तब भी लिखना है, एम कॉम तब भी लिखना है। ये आपको हर जगह मिल जाता है और इसीलिए मैंने इतने प्रकार ले लिए हैं कि इतने प्रकार पढ़ने के बाद आपको ज़रूरत ही नहीं होगी कि एक भी और प्रकार की आपको ज़रूरत पड़े, क्योंकि इतनी कंपनियाँ जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, इतनी कंपनियों के बारे में आपको कई बुक्स में मिलेगा। क्योंकि बस इतना सा पोर्शन दिया हुआ होता है, थोड़ा बहुत और बड़ा दिया हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर हमने जितने भी बेसिस हैं ऑन द बेसिस करके हमने ले लिया है कि किस बेस पर कितनी कितनी कंपनियाँ होती हैं। तो कहीं क्लासिफिकेशन आप कंपनी से आ जाए तब भी आपको ये लिखना है, काइंड्स ऑफ कंपनी आ जाए तब भी आपको लिखना है। तो बहुत ही अच्छे से सीखिए। इंग्लिश में है लिखी हुई, मैं हिंदी में भी इनके नाम लिख दूंगा जिससे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद में अगर आपको अच्छा लगता है लाइक कमेंट ज़रूर करें जिससे हम मोटिवेट हों और आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो हम बनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि आप इंटरमीडिएट में हैं तो आपके सिलेबस में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में ही है पूरा दिया हुआ, बट आप अगर इसके अतिरिक्त ये भी लिख देते हैं तो देन आपको मार्किंग अच्छी मिलेगी, और अच्छी मिलेगी, क्योंकि इतनी जो कंपनियां हैं इनके बारे में आपके साथी लोग नहीं लिखेंगे और आपके पास में मैटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, यदि वो पूछता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, यानी हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्त स्कंद कंपनी, ये कितने प्रकार की होती हैं? तो ये होती हैं हमारी कितने प्रकार की, मुख्य रूप से ये होती हैं तीन प्रकार की। पहली है अनलिमिटेड कंपनी, दूसरी है हमारी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरी है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इनका मतलब क्या है? अनलिमिटेड कंपनी का मतलब ये होता है असीमित दायित्व वाली, असीमित दायित्व कंपनी। इसमें क्या होता है, यदि कंपनी डूब रही है, यदि कंपनी लॉस में चली जाती है, तो जो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं, जो भी उसके सदस्य हैं, उनको कंपनी में जितना पैसा लगाया है वो तो सब देना ही देना है, और यदि फिर भी किसी का पेमेंट बच जाता है देने से, तो उनकी अपनी जो पर्सनल एसेट्स हैं, जो अपने घर की संपत्तियाँ हैं, वो भी कंपनी के जो भुगतान हैं, पेमेंट्स हैं, उनके लिए देनी पड़ जाती हैं। इस कारण से इसके लिए हम कहते हैं क्या, अनलिमिटेड, यानी जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जितनी ज़रूरत होगी उतना आपके लिए घर से शेयर देना पड़ेगा। ओके, सेकंड इज नाउ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या होता है, गारंटी दे दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेती है कंपनी, और किसी बैंक से लोन लेती है, कुछ भी लेती है, तो कोई ना कोई पार्ट अपना गिरवी रख देती है कंपनी, कोई संपत्ति रख दी उसने फॉर द बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, और भी कोई संपत्ति, तो जो गिरवी रख दी जाती है तो उसको हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या होता है कि कंपनी गारंटी देती है कि नहीं, हम इस सीमा तक आपके लिए गारंटी देते हैं, आपकी अगर कोई भी लायबिलिटी है तो उसका भुगतान करेंगे। तीसरी है हमारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यहाँ पर क्या होता है कि केवल अंशों तक ही सीमित है, यानी कंपनी के अंतर्गत जो दायित्व का पेमेंट है, लायबिलिटी का पेमेंट है, उसको हम कहाँ तक करेंगे, अंश तक ही करेंगे। और ये इस प्रकार की जो कंपनियाँ हैं वो कितनी होती हैं, थ्री कंपनी होती हैं। ठीक है, टोटल थ्री, और जो थ्री वाला है इसका पार्ट मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये भी थ्री ही हैं। पहला कौन सा है, प्राइवेट कंपनी, दूसरी पब्लिक कंपनी, और तीसरी ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, यानी एक व्यक्ति की। ये जो वन पर्सन कंपनी है, ये कंपनी एक्ट 1956 में नहीं था, ये कंपनी एक्ट 2013 में आया है, कंपनी अधिनियम 2013 में ये आया है, वन पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति की कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का पार्ट पूरा हुआ। कितने प्रकार की है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, तीन प्रकार की, असीमित दायित्व वाली, और दूसरी गारंटी
कंपनी तीसरी है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर अंशों द्वारा। सीमित दायित्व कंपनी। अब हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अगला जो हमारा पार्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि हमें अब क्लासिफिकेशन अगर कंपनियों का करना है तो देखिए कंपनियों का क्लासिफिकेशन हम कितने बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट बेसिस इज आवर एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट हम कहते हैं किसके लिए, स्थापना के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं स्थापना के आधार पर, स्थापना के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। जो स्थापना के आधार पर कंपनियां हैं वो कितने प्रकार की हैं, तीन प्रकार की कंपनियां हैं। पहला है हमारा कौन सा, चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी, चार्टर्ड कंपनी का मतलब क्या होता है, चार्टर्ड कंपनी का मतलब ये होता है कि ऐसी कंपनी जो किसी न किसी चार्टर के तहत बनाई गई हो, राजाज्ञा के द्वारा बनाई गई हो, कोई ना कोई ऐसा रूल आया हो जिसके थ्रू कंपनी बनाई गई हो। ये ऐसी कंपनी जो है भारत में नहीं है। क्यों नहीं है भारत में ये कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी वो ब्रिटिश के अधीन बनी थी, बस वही कंपनी चार्टर्ड कंपनी थी भारत में, बाकी कोई भी कंपनी चार्टर्ड कंपनी नहीं है। दूसरी है लीगल कंपनी, इसको हम कहते हैं वैधानिक कंपनी। वह कंपनी जो संसद के द्वारा स्थापित होती है। ठीक है, संसद के द्वारा यदि कोई कानून बना करके कोई कंपनी बनाई जाए तो उसको हम कहते हैं कौन सी, लीगल कंपनी। ठीक है, जैसे LIC कैसी कंपनी है, वैधानिक कंपनी है, कानून के द्वारा बनाई गई हुई कंपनी है। अगला है रजिस्टर्ड कंपनी, वे कंपनियां जो कंपनी अधिनियम या तो 1956 या 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, उन कंपनियों को हम कौन सी कंपनी कहते हैं, रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना के आधार पर कंपनियां कितने प्रकार की हैं, तीन प्रकार की कंपनियां हैं। चार्टर्ड कंपनी हमारे यहाँ नहीं है, लीगल कंपनी हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है ये, और सबसे ज़्यादा होती हैं कौन सी, रजिस्टर्ड कंपनी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, वो दायित्व के आधार पर, दायित्व के आधार पर। देखिए दायित्व के आधार पर का मतलब क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमें किस किस को कितना पेमेंट करना है, यानी कंपनी चल रही है उस कंपनी में मतलब क्या क्या किस किस का शेयर है और वो जो शेयर है वो कहाँ तक सिक्योर है। तो उसके बेस पे देखिए दो प्रकार की कंपनियाँ होती हैं, एक होता है लिमिटेड कंपनी और दूसरी होती है अनलिमिटेड कंपनी। एक होती है पहली सीमित दायित्व वाली और दूसरी होती है असीमित दायित्व वाली। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मान लीजिएगा कोई कंपनी में अगर नुकसान होता है, घाटे में पहुंच जाती है, वो वहीं से ली गई है। ठीक है, लिमिटेड अनलिमिटेड और लिमिटेड यही वाली उठ करके यहां पर आई है, बट यहां पर क्या हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, दायित्व के आधार पर बताया गया है। ज्वाइंट कंपनियों का तो ये था, बाकी जो अदर कंपनियां हैं उनमें लिमिटेड और अनलिमिटेड, यदि कंपनी में घाटा होता है तो एक निश्चित सीमा तक ही आपका पैसा वापस किया जाएगा, सुरक्षित है। और अनलिमिटेड में क्या होता है कि जितना भी है वो सब आपका सुरक्षा की दृष्टि से है, और जो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं वो अपने घर की संपत्ति लाकर के भी आपका पेमेंट करेंगे। तो दो प्रकार की हैं, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, सदस्यों की संख्या के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर। ये क्या होती हैं, सदस्यों की संख्या के आधार पर। देखिए दो प्रकार की कंपनियां होती हैं, एक प्राइवेट कंपनी और दूसरी पब्लिक कंपनी। जो प्राइवेट, और ये इनके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को याद कैसे रखेंगे, देखिए प्राइवेट में कम से कम दो लोग होंगे और अधिकतम कितने होंगे, 200 होंगे, बट जो पब्लिक कंपनी होगी उसमें कम से कम तो 7 होंगे और मैक्सिमम नो लिमिट, यानी अधिक की कोई लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स तक हो सकते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। ठीक है, इसको हम निजी या प्राइवेट कंपनी कहते हैं।
और इसे हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ जिससे किसी को दिक्कत ना हो। तो ये हमारे प्रकार थे, एक बार फिर से इस इधर का रिवीजन कर लेंगे। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर। शेयर के द्वारा जो लिमिटेड होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, प्राइवेट, पब्लिक और वन पर्सन ओपीसी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट तीन प्रकार के होते हैं, चार्टर्ड कंपनी सिर्फ एक बनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी बाकी कोई नहीं, लीगल कंपनी वैधानिक संसद के कानून या राज्य के द्वारा बनाए हुए कानून के आधार पर कोई कंपनी का निर्माण हो, और तीसरी है हमारी रजिस्टर्ड कंपनी, जो भी कंपनी अधिनियम 1956 और 2013 दोनों का अधीन किसी भी में अगर रजिस्टर्ड है कंपनी तो वो हमारी रजिस्टर्ड कंपनी कहलाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी दायित्व के आधार पर कंपनी हमारी दो प्रकार की होती है, लिमिटेड और अनलिमिटेड। और ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, मेंबर के संख्या के आधार पर दो प्रकार की कंपनियां होती हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक। पब्लिक कंपनी में कोई आए कोई जाए रोक टोक नहीं होता है, बट प्राइवेट में रोक टोक होती है, यानी प्राइवेट कंपनियां जिन व्यक्तियों को अपने साथ में लेकर के चलती हैं तो उनका साथ नहीं छोड़ने देती हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इसको हम हिंदी में कहते हैं स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर का मतलब है कि मालिक बनने के आधार पर। देखिए दो ही प्रकार की कंपनियां हैं, पहली वाली जो कंपनी है वो कौन सी होगी, सरकारी कंपनी। भाई किसी कंपनी का जो मालिक है वो या तो सरकार होगी और या गैर सरकारी होगी। अब आप सोचेंगे कि ये प्राइवेट हो गई जी, प्राइवेट कह लीजिएगा या मतलब ओपीसी कह लीजिएगा, वन पर्सन कंपनी, वो सब इसमें आ जाती हैं। तो दो प्रकार आप लिखेंगे, सरकारी गैर सरकारी, हिंदी में सरकारी और गैर सरकारी ही लिखा जाता है, और इंग्लिश में गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी लिखा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ये इम्पोर्टेंट है, ये तीनों कंपनियाँ इम्पोर्टेंट हैं, इनके बारे में आपके लिए हर सब्जेक्ट में आगे दिया हुआ होगा इसका पार्ट। देखिए कंपनियां कंट्रोल के आधार पर, हिंदी में अगर हम बोलें तो इसे कहते हैं नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर। देखिए नियंत्रण के आधार पर तीन प्रकार की कंपनियां होती हैं, पहली कंपनी होती है फ्रीडम कंपनी, फ्रीडम कंपनी या कह लो फ्री कंपनी कह लो, ठीक है, ये कंपनी बिल्कुल स्वतंत्र होती है, इसे हम कहते हैं स्वतंत्र कंपनी। देखिए स्वतंत्र कंपनी हम इसलिए इसके लिए कहते हैं क्योंकि ये जो कंपनी होती है इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता है, ये जितने भी निर्णय हैं स्वयं लेती है, जो भी डिसीजंस होते हैं उनको अपने आधार पर लेने के लिए बिल्कुल फ्री होती है, इसी कारण से इसको हम कौन सी कंपनी कहते हैं, स्वतंत्र कंपनी कहते हैं, फ्रीडम कंपनी कहते हैं। सेकेंड इज होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी बोले तो, और अगली तीसरी हमारी सब्सिडियरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी को हिंदी में हम कहते हैं सूत्रधारी, सूत्रधारी कंपनी, और ये होती है हमारी कौन सी, सहायक कंपनी। ठीक है, अब इनका मतलब समझिएगा, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों कंपनियों के बारे में अक्सर पूछा जाता है। होल्डिंग कंपनी का मतलब ये होता है कि जब कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर परचेज कर लेती है। क्या सुना आपने, जब कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर परचेज कर लेती है तो उसका पूरा जो मैनेजमेंट सिस्टम है ना वो बड़ी कंपनी के हाथ में आ जाता है। तो जब बड़ी कंपनी के हाथ में आ जाता है तो वो छोटी वाली पे क्या रख लेती है, होल्ड रख लेती है। तो इसी चीज़ को कहते हैं हम होल्डिंग कंपनी, यही हमारा है होल्डिंग कंपनी। अब नहीं भूलना क्या है, होल्डिंग कंपनी में बड़ी कंपनी या कोई एक कंपनी किसी अन्य कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर परचेज कर लेती है तो पूरा प्रबंध तंत्र उसके हाथ में आ जाता है। सब्सिडरी कंपनी किसे कहते हैं, वह कंपनी जिसके 50% से ज़्यादा शेयर बिक चुके हैं तो वो हमारी कौन सी कंपनी कहलाती है, सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए, हीरो कंपनी है मोटरसाइकिल बनाती है, ठीक है, लेकिन टायर नहीं बनाती है न ट्यूब बनाती है, वो मोटरसाइकिल का तो निर्माण करती है बट टायर ट्यूब का निर्माण नहीं करती है। अब सपोज करिए कोई एक ऐसी कंपनी जो टायर ट्यूब का निर्माण करती हो तो हीरो कंपनी क्या करेगी कि जो टायर ट्यूब बना रही है उस कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर, इक्विटी शेयर परचेज कर लेगी। ऐसा करने से क्या होगा कि जो टायर ट्यूब वो अदर अदर कंपनी के लिए सेल आउट कर रही थी वो किसी को सेल नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका जो पूरा होल्ड है वो किस कंपनी के अंडर में आ गया, होल्डिंग कंपनी के अंतर्गत यानी हीरो के अंतर्गत आ गया।
ठीक है। और हीरो चाहेगी तो अदर को बेचेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं बेचेगी। अब इसको क्या फ़ायदा हुआ, इसका माल जो बन रहा था वो अब एक कंपनी अपने आप स्वयं यूज करती रहेगी या अपनी इच्छा अनुसार उसको सेल आउट करती रहेगी, तो इसको बेचने का पूरा जो सिस्टम है वो नहीं तैयार करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस था होल्डिंग में और सब्सिडरी में, ठीक है। विस्तार से और बताएंगे इनके आगे, बल्कि समझने का प्रयास कीजिए। फ्रीडम कंपनी का मतलब बिल्कुल स्वतंत्र, यानी वो हर काम के लिए स्वयं निर्णय ले सकती है। होल्डिंग कंपनी का मतलब वह कंपनी जो दूसरे पर अपना होल्ड रखती है। सब्सिडरी कंपनी का मतलब वह कंपनी जो अपने 50% से ज़्यादा शेयर को किसी अन्य के लिए सेल कर चुकी है। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी, यानी राष्ट्रीयता के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर। देखिए राष्ट्रीयता के आधार पर दो ही प्रकार की कंपनियां होंगी, एक होती है नेशनल कंपनी, इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय कंपनी, और दूसरी है इंटरनेशनल कंपनी, इसे अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं या बहुराष्ट्रीय भी कहते हैं। क्योंकि एक कंपनी अगर एक देश से ज़्यादा देश में व्यापार कर रही, इसका मतलब है कि वो बहुत से राष्ट्रों में व्यापार कर रही, यानी वो राष्ट्रीय नहीं है तो कौन सी है, बहुराष्ट्रीय है, ठीक है। तो दो प्रकार की कंपनियां हैं, एक तो राष्ट्रीय और दूसरी बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। और लास्ट में है ऑन द बेसिस ऑफ अदर, इनके अलावा भी अगर और आप वर्णन करना चाहेंगे और वर्गीकरण करना चाहेंगे, क्लासिफिकेशन और करना है, तो देखिए इंश्योरेंस कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी जो निर्माण करती हैं, इलेक्ट्रिक कंपनी जो बिजली बनाती हैं, मार्केटिंग कंपनी जो माल नहीं बनाती हैं बट उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, मार्केटिंग करती हैं, ठीक है। तो ये और भी प्रकार हैं कंपनियों के जो बहुत सरल सरल हैं, इनको सही से देख लीजिएगा। आपके लिए हमने इतना मैटर दे दिया कि आपको किसी एक बुक में तो नहीं मिलेगा। आपने अगर इस पूरे वीडियो के लिए अगर बिना स्किप किए हुए देखा है तो ये टॉपिक आप कभी नहीं भूलेंगे। आप जब भी एग्ज़ाम में जाएंगे देखते ही तुरंत आपको याद आ जाएगा कि हाँ इस कंपनी के बारे में सर ने हमें क्या बताया था। तो एक बार फिर से यहाँ का रिवीजन कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार की, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण के आधार पर, फ्रीडम होल्डिंग सब्सिडरी। और ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी, राष्ट्रीयता के आधार पर, नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ अदर, अदर के आधार का मतलब आया और इसमें अभी तो और बहुत सारी कंपनियां हैं, जहाजी कंपनियां बची हुई हैं, निर्माणी कंपनियां, औद्योगिक कंपनियां, ठीक है, ये सारी इसमें और जोड़ सकते हैं। बट बहुत सारा डेटा आपका इतना ही है, इसको लिखिए तो, और इसके बारे में जो डिटेल लिखना है, मैंने आपको जो भी बोला है बस इसी के आधार पर आप लिख दीजिए, फिर आप देखिए कि आपकी जो मार्किंग है पहले से बढ़ करके आती है या नहीं आती है। हमारे चैनल पर आपको इतना डेटा दिया जाता है, इतना समझाया जाता है कि शायद इतना समझने के बाद आप किसी भी इंटरव्यू में बैठिए, किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।